देखिए बेटा, आपके सीक्वेंस की अगर बात की जाए तो सीक्वेंस होता क्या है? सीक्वेंस एक्चुअली आपके पास जो है वो एक फंक्शन होता है, लेकिन जिसकी जो डोमेन है वो आपके पास क्या होती है? नेचुरल नंबर टू रियल नंबर, एन से मतलब नेचुरल और आर से रियल नंबर। अगर मैं बात कर रहा हूं, इसके अलावा भी हम यूज करते हैं, नेचुरल नंबर के अलावा जो डोमेन है वो आप होल नंबर भी करते लिखते हैं, ठीक है? उसके अलावा होल नंबर आपको पता है बराबर होते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के। किसके बराबर होते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है? तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स के सेट की बात करें तो आपके पास ये होता है, इंटीजर्स का सेट 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। अब आपको पता है इससे निकाल दें, नेगेटिव इंटीजर निकाल दें, तो आपके पास जो सेट आता है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का जो सेट है वो आपके पास बच्चे क्या होता है? इंटीजर्स की मैं अगर बात करूं तो वो आपके पास है 0, क्योंकि नेगेटिव नंबर निकाल दें तो बाकी आपके पास ये बन जाएंगे। तो अब आपको पता है कि एक्चुअली नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की बात करूं या होल नंबर की बात करूं तो दोनों एक जैसे हैं, आप क्लियरली इधर से ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, ठीक है? अब उसके अलावा सीक्वेंस का जो है, मैंने कहा है कि ये रियल नंबर भी हो सकते हैं। दूसरी बात, आपके पास अगर डिफाइन किया जाए तो वो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है कि जो सीक्वेंस है एक्चुअली ये फंक्शन होता है, ठीक है? और फंक्शन होता है जिसकी डोमेन जो है वो क्या हो सकती है? नेचुरल नंबर भी हो सकती है, होल नंबर भी हो सकती है, या नॉन नेगेटिव इंटीजर भी हो सकती है, ठीक है? और उसके बाद सीक्वेंस की टर्म्स क्या हो सकती हैं आपके पास? जो फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी सीक्वेंस लिखता हूं, मैं कहता हूं कि आपके पास जो सीक्वेंस है उसकी टर्म्स दो तरह की हो सकती हैं। वो आपके पास रियल नंबर भी हो सकती हैं और दूसरा आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। आगे जब हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस पढ़ेंगे तो उसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर को भी डील कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब है, अब अगर आपके पास इसकी रेंज जो है वो आपके पास रियल नंबर हो तो हम उसको बोलते हैं रियल सीक्वेंस, ठीक है? अगर इसकी कॉम्प्लेक्स होगी तो आप ऑफकोर्स ही बात है आप क्या बोलेंगे उसको? कॉम्प्लेक्स, ठीक है? तो रियल सीक्वेंस, ठीक है? रियल सीक्वेंस जब आपके पास जो रेंज है वो आपके पास क्या होगी? रियल नंबर होगी। अब सीक्वेंस को किस चीज से डिनोट किया जाता है? फॉर एग्जाम्पल अगर सीक्वेंस है उसकी nth टर्म आपने लिखनी है तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर सीक्वेंस लिखना है तो उसको इस तरह से भी डिनोट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट से भी करते हैं, या आप राउंड ब्रैकेट से भी करते हैं। और जो आपके सिलेबस में जो आपका कोर्स है, हम जो है फर्स्ट टर्म जो है वो कंसिडर करते हैं। आपके पास फर्स्ट टर्म जो है हम A1 को कंसिडर करते हैं, ठीक है? लेकिन आप बाज मैथमेटिक्स की बुक्स देखें तो फर्स्ट टर्म जो है वो उसमें A0 भी होती है, A0 भी होती है, ठीक है? ये जीरो टर्म, लेकिन आपके सिलेबस में मैं अगर बात कर रहा हूं तो ये आपके पास टर्म नहीं यूज हो, तो हम फर्स्ट टर्म कंसिडर करेंगे। ये आपके पास फर्स्ट टर्म A1 को नाम देते हैं। उसके अलावा एक्सप्रेशन में हम एक और बात यूज करते हैं, nth टर्म, ठीक है? nth टर्म भी बोलते हैं। उसके अलावा अगर इसका दूसरा नाम मैं बात करूं, आर जनरल टर्म, ठीक है? तो आपके पास जो जनरल टर्म भी बात करें तो एक ही बात होती है जिसको हम AN से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? AN से करते हैं। और जो सीक्वेंस है उसकी टर्म्स की मैं बात की जाए तो उनकी टर्म्स को हम ऐसे लिखते हैं, A1 A2 A3 अप टू सो ऑन। अगर एन होंगे तो हम एन तक जाएंगे, ठीक है? ये तो मैंने आपको ओवरऑल बताया कि सीक्वेंस होता क्या है, बेसिकली फंक्शन होता है, ठीक है? एक आपसे पूछी जाती है बात के सीक्वेंस को कि आप सेट कह सकते हैं, तो हम चेक कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सीक्वेंस है जिसकी मैं जनरल टर्म ये दे देता हूँ कि आपके पास एक सीक्वेंस है जिसकी जनरल टर्म है ये -1 raise power n, ये आपके सामने जनरल टर्म, ठीक है बेटा? अब आप इसमें एन की डिफरेंट वैल्यू आपको पुट करें तो आपको पता है अगर जब आप 0 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। जब आप 1 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? -1। फिर अगेन आप पुट करेंगे 2 तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। फिर आप 3 पुट करेंगे तो -1 आएगा। तो आप देखें इस तरह से ये टर्म आएंगे। तो आप मुझे ये बताएं, ये वाला जो मैंने
ब्रैकेट्स में लिखा है, ये क्या सेट हो सकता है? क्योंकि सेट हो सकता है सर, इनफाइनाइट जो सेट होते हैं। देखें, सेट की डेफिनेशन के मुताबिक ये है कि बच्चे आपके पास जो सेट के जो एलिमेंट होते वो हैं, सर नहीं हो सकता सर, क्योंकि उसमें हाँ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होते हैं, तो इसमें ये हाँ डिस्टिंक्ट होना हुआ, क्योंकि ये वन वन है और माइनस बिल्कुल वन माइनस वन है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है बच्चे। तो ये इसका मतलब है इन जनरल जो आपके पास सीक्वेंस होता है उसको हम सेट नहीं कह सकते, ठीक है। इससे हमने अभी डिड्यूस किया कि सीक्वेंस इज नॉट अ सेट, ठीक है। ये एक बात भी इम्पोर्टेंट बता दी, ठीक है। ओवरऑल आपको सर सीक्वेंस तो जी बेटा सीक्वेंस का क्या ये मतलब हुआ कि उसमें मतलब रिपीटेड चीजें आएंगी, या सर बिल्कुल, मतलब और ऐसा भी कुछ रिपीटेड होता हो भी है सकते हैं, नहीं भी हो और सकते, नहीं ठीक है। भी? ये तो डिपेंड करता है, लेकिन इन जनरल हम सीक्वेंस को सेट नहीं कह सकते। उसकी रीजन मैंने आपको बता दिया कि ये जो आपके पास रिपीटेड आ जाते हैं तो इस वजह से हम इसको सीक्वेंस नहीं बोल सकते, ठीक है। सीक्वेंस को हम फंक्शन बोल सकते हैं लेकिन सेट नहीं बोल सकते। ये फंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको पता है कि एक ही टर्म होती है, तो फर्स्ट टर्म जो है, आपने कभी ये नहीं कहा कि फर्स्ट टर्म जो है वो दो तरह की होंगी, ठीक है। फर्स्ट टर्म अलग होती है, nth टर्म, फर्स्ट टर्म और nth टर्म बराबर आपने हो सकती है, लेकिन ये है कि आपके पास एक नंबर पे एक आएगी, ठीक है। मिसाल दे रहा हूं, अगर इधर वन वैल्यू पुट करो तो आपको दो आउटपुट नहीं आएंगे। जब आप सीक्वेंस को डील कर रहे होते हैं तो ये नहीं है कि एक वैल्यू पुट करें और आपके पास दो आंसर है, तो दो आंसर नहीं आते। तो इसलिए सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं, ठीक है बच्चे, ठीक है। यस सर। अब सीक्वेंस में डिफरेंट आपके पास कंबिनेशन होते हैं, कुछ टर्म्स सीक्वेंस में एडिशन के हिसाब से लिखी जाती हैं, कुछ मल्टीप्लीकेशन, कुछ डिवीजन के हिसाब से। तो हम जो है सीक्वेंस की आपके कोर्स में तीन टाइप्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। 6.2 में जाने से पहले मैं अरिथमेटिक सीक्वेंस को डील करूंगा, ठीक है, वो क्या होता है, उसके बाद हम आगे चलेंगे कि भाई 6.2 में करना क्या, ठीक है। अब देखें, ये स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चे, यस सर, ले लिया। चलें। अब देखें बच्चे, हमारे पास जो है नेक्स्ट जो हमने आपके कोर्स में पढ़ना है वो अरिथमेटिक सीक्वेंस। अरिथमेटिक सीक्वेंस भी बोलते हैं, ठीक है, आप प्रोग्रेशन भी बोल सकती हैं, ठीक है, इसमें कोई इतना ज्यादा मसला नहीं है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोल दें या सीक्वेंस बोल दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इसकी कंडीशन है कि भाई आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस, आ सीक्वेंस आपको पता है कोई भी सीक्वेंस है, उसको उसकी मैं डेफिनेशन तो लिखी हुई है क्योंकि हमारे बोर्ड में आती नहीं है, तो इसको मैं प्रॉपरली लिखूंगा नहीं डेफिनेशन को, मैं आपको समझाऊंगा कि होता क्या। अब आपको पता है कि मैं अगर एक जनरल टर्म लिखूं, लास्ट टर्म लिखूं, तो आपके पास वो आपके पास एन है, ठीक है। और उसके बाद आपको पता है कि अगर मैं इससे प्रीवियस टर्म लिखूं तो वो कौन सी होगी? एक तो nth टर्म है, इससे एन माइनस वन, ये ए एन माइनस वन। ये अरिथमेटिक सीक्वेंस जो आपको क्या बताता है, कहता है कि ये आपके पास फाइनल टर्म यानी सक्सेसर माइनस प्रीडेसर, ठीक है, फाइनल माइनस उससे जो पहले वाली है, ठीक है। अगर इनका डिफरेंस लिया जाए तो वो डिफरेंस जो है वो डी होना चाहिए, किस से, फॉर ऑल एन की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि हम जो टर्म हमारी होगी हमारे कोर्स में वो ए वन से स्टार्ट होगी, ए जीरो से नहीं होगी। अब मुझे ये बता, एन की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं? एन की वैल्यू जीरो पुट कर सकते हैं, वो तो हम पुट नहीं कर सकते, वन पुट कर सकते हैं एन की। आप देखें कि एन की वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल ये एन पे मैं कंडीशन लगा रहा था ना, तो आप मुझे बताएं कि एन की हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं? अगर सर मेरे हिसाब से तो सर वन से ग्रेटर लेना चाहिए, क्योंकि सर वो भी फिर कैंसिल ही होगा, हाँ बिल्कुल, वो जीरो ही कैंसिल आना हो चाहिए जाता, शायद। बिल्कुल। तो एन जो है वो होना चाहिए ग्रेटर देन आपके पास वन होना चाहिए, ठीक है, तब जाके आपके पास जो सीक्वेंस है, अरिथमेटिक्स प्रोग्रेशन है, वो डिफाइन होगा, ठीक है। तो अब ये डी होना चाहिए, यानी कोई भी टर्म आप लें, कोई भी जनरली कोई भी टर्म लें,
तो डी को जो हम डिनोट करते हैं कॉमन डिफरेंस। अगर आपके पास कॉमन डिफरेंस बचे, ये आपके पास अगर सेम हो तो हम कहते हैं जो आपके पास प्रोग्रेशन होगा वो अरिथमेटिक होगा, ठीक है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो हम नहीं कह सकते कि जो आपके पास जो सीक्वेंस है वो आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस है या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है इससे हम फार्मूला भी डिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो फार्मूला आप डिड्यूस करने का इतना कोई मसला नहीं है, देखें आपके सामने कर लेता हूं ताकि आपको पता चले। देखें बेटा, अगर हमने देखा एन की वैल्यू ग्रेटर देन वन पुट कर सकते हैं, अगर वन पुट करें तो आपके सामने है, अगर हम वन से ग्रेटर पुट करें तो आपके पास ये, मैं आपके सामने तीन चार वैल्यू पुट करने लगा हूं। एन की वैल्यू हम पहले टू पुट कर लेते हैं, फिर थ्री पुट कर लेते हैं, फिर फोर, ठीक है, इससे ज्यादा हमें जरूरत नहीं होगी। अब देखें ए टू माइनस ए वन इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, डी आ गया, सिंपल डी आ गया, ठीक है बेटा। बाय डेफिनेशन हम देखेंगे आपके सामने, देखें ये ए टू माइनस ए वन आपके पास डी आ गया। अगर ए टू की वैल्यू लिखूं तो वो आपके पास ए वन प्लस डी आ जाएगी, ऐसे ही है ना। इस वैल्यू को मैं अंडरलाइन करने लगा हूं क्योंकि हमारे काम आनी है। जब एन की वैल्यू हम थ्री पुट कर लेते हैं तो अब आपके पास क्या है, ए थ्री माइनस ए टू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। और ए थ्री की बात करें तो वो क्या आपके पास आ रहा है, ए टू प्लस डी। और आपको पता है कि जिसको मैं अंडरलाइन करने लगा हूं इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दें तो क्या होगा, ए थ्री जो है वो आपके पास ये आ जाएगा, ए वन प्लस डी प्लस डी। फाइनली आपके पास क्या हो जाएगा, ए वन प्लस टू डी आ जाएगा बच्चे, ठीक है। ए थ्री को हम ये लिख सकते हैं ए वन प्लस टू डी। इसी तरह सिमिलरली अगर फिर फार्मूले में एन की वैल्यू जैसे मैंने कहा था बच्चे फोर पुट करें तो क्या आएगा, ए फोर माइनस ए थ्री इज इक्वल, तो ये ए फोर माइनस ए थ्री, बिल्कुल ए थ्री प्लस ये डी आ गया। अब ए थ्री की फिर अगेन वैल्यू आप ये वाली पुट कर सकते हैं इस ए थ्री की जगह, ए फोर इज इक्वल टू ए थ्री की जगह हम क्या लिखेंगे, ए वन प्लस टू डी प्लस डी, ठीक है बेटा। तो ये क्या आ जाएगा, ए वन प्लस थ्री डी। अगर देखें बेटा ये सिलसिला चलता रहे, आप देखें ऊपर वाले एक्सप्रेशन को थोड़ा सा मैं चेंज करने लगा हूं, अगर मैं इस तरह से लिख लू ए वन प्लस थ्री माइनस वन एन टू डी, कोई फर्क पड़ता है, वो मैंने थ्री क्यों लिखा है, क्योंकि आपके सामने है, देखें ये थर्ड टर्म थी तो मैं कह रहा था इधर थ्री है नंबर, तो इधर भी मैं थ्री नंबर किसी तरह से एडजस्ट करूं, तो आपने देखा है कि इधर टू था तो टू को हम लिख सकते हैं थ्री माइनस वन। सिमिलरली अगर मैं ए फोर वाले को लिखूं तो क्या लिखूंगा, ए वन प्लस ये तो थ्री है ना, तो इधर नंबर तो फोर है, तो आप ये लिख सकते हैं फोर माइनस वन एन टू डी, लिख सकते हैं बच्चे। Yes, sir. अगर सिमिलरली ये सिलसिला इस तरह चलता रहे तो मुझे ये बताएं ए एन को आप क्या लिखेंगे, ए वन तो आपको पता है कांस्टेंट है, फिक्स है, इस एक्सप्रेशन में भी ए वन है, इसमें भी ए वन है, ए वन प्लस अब क्या लिख सकते हैं आप, ए कम, यानी आपने एन माइनस वन लिखना है और एन टू डी लिखना है। बात समझ आई कि नहीं आई सर, ये जो n है सर, ये इन दोनों में कोई डिफरेंस होता है सर, ये जो आपने लिखा है इक्वल से पहले a के साथ जो n है और एक जो b के साथ जो ब्रैकेट्स में n माइनस वन। देखें हाँ, मैं ये आप सब सब का मतलब आपको बता देता हूँ, इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। ये a n जो है इसको हम बोलते हैं जनरल टर्म, ठीक है, ये मैंने पहले भी लेक्चर के स्टार्ट में ही बताया था आपको, ये जनरल टर्म है। और ये जो ए वन है इसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, ये हमारे पास होती है फर्स्ट टर्म, ठीक है बच्चे। और ये जो एन है, ये एन इसको हम बताता है ये आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स, कि आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ठीक है। और ये जो डी है इसको हम क्या, अभी हमने लिखा है सी डी से डिनोट करूंगा कॉमन कॉमन डिफरेंस। अब आपको समझ आ गई होगी भाई, ए एन जो है ए के नीचे जो सबस्क्रिप्ट एन है उसका मतलब होता है जनरल टर्म, और जो वो एन है उसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। बात समझ आ गई बच्चे,
तो हमारे पास ए पी का जनरल फार्मूला आ गया आपके पास, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन एन टू डी। ये जनरल फार्मूले में कोई मसला